गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्क्रॉप सिंथेसिस। ये जो है वो अभिक्रिया एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? ग्लिसरॉल के साथ करते हैं, ग्लिसरॉल। और जब एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ करोगे तो उस कंडीशन में क्विनोलिन बनता है। क्या बनता है? क्विनोलिन, क्विनोलिन बनता है। तो क्विनोलिन को बनाने की एक वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। अब देखो इस मेथड के अंदर क्या है, ये जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल का पहले क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये जो ग्लिसरॉल है ये इस प्रकार से CH2OH, CHOH और CH2OH। इस ग्लिसरॉल का सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, कंसल्टेड H2SO4 जो है उसकी तुलना की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, यहाँ से जल का जो एक अणु है वो जल का एक अणु निकल जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाता है, सबसे पहले बनता है CH2CHCHO। ये एक्रोलिन कह सकते हैं या एक्रेलियाहाइड कह सकते हैं, इसका निर्माण होता है CH2CHCHO। ये जो यौगिक है ये यौगिक बनता है। उसके पश्चात क्या है, ये जो एक्रोलिन है ये एक्रोलिन किसके साथ क्रिया करता है, इस एनिलीन, इस एनिलीन के साथ क्रिया करता है। एक्रोलिन जो है वो एनिलीन के साथ जब क्रिया करेगा तो क्रिया करने पर क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक जो वलय है, एक साइक्लिक यौगिक का निर्माण होता है और स्टेप बाय स्टेप ये अभिक्रिया आगे से आगे होती रहती है और किसका निर्माण हो जाता है, क्विनोलिन। तो इस प्रकार से पहले क्या बनता है, एक्रोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो इस एक्रोलिन से क्या बन जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा एनिलीन और इस प्रकार से आगे का प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये जो है एनिलीन, ये एनिलीन है, ये किससे क्रिया करता है, इसी एक्रोलिन से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO इसके साथ क्रिया करता है। जब इसके साथ क्रिया करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रकार से इसके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस प्रकार से एक जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बन जाएगा ये एम के बीच में और किसके बीच में, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और CH2, फिर ये CH2CH सिंगल बॉन्ड ऊपर माइनस, ये इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये यहां से क्या होता है, डी प्रोटोनेशन होता है, एक H प्लस निकल जाता है और वो H प्लस कहां जुड़ जाता है, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और इस प्रकार से जो है वो नेक्स्ट बन जाएगा NH CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इस प्रकार से क्या बनता है, इनॉल बनता है। क्या बनता है, इनॉल बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, और ये H जो है वो स्थानांतरित हो जाएगा और इस प्रकार से जो है खोल के लिखूं मैं तो ये इस प्रकार से यहां से क्या निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकल के एक साइक्लिक जो संरचना है वो प्राप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार से ये NH और इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, एक रिंग जो है उस रिंग का निर्माण हो जाएगा ये इस प्रकार से। और फिर क्या होता है, इसमें से डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पर जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक एक निकल जाएगा और इस प्रकार से यहाँ क्या बन जाएंगे, यहाँ और यहाँ क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड जो है उस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार से क्या मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, क्विनोलिन जो है उस क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्क्रॉप सिंथेसिस है ये इस क्विनोलिन को बनाने की
वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम में, या तो इंडोर फिशर सिंथेसिस या स्क्रॉप सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो पूछी जाती है। थैंक यू।